राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने एक दिवसीय जनपद रुद्रप्रयाग भ्रमण के दौरान 11 मराठा लाइट इन्फेंट्री के कैंप सभागार में राजस्व, पुलिस, पर विकास एवं स्वास्थ्य विभागों की बैठक कर समीक्षा की। राज्यपाल ने श्री केदारनाथ निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की विषम परिस्थितियों के बावजूद समर्पण और सेवा भाव को देखते हुए उनके लिए आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने विषम मौसमी परिस्थितियों के बावजूद केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, श्रमिकों की मेहनत से ही निर्मित वास्तुकला युगों और पीढ़ियों तक जीवंत रहती है। बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने श्री केदारनाथ पुनर्निर्माण सहित यात्रा मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों को राज्यपाल के समक्ष रखा, जिस पर राज्यपाल ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों के पूरा होने पर एक अद्भुत नजारा तीर्थयात्रियों के सामने होगा। राज्यपाल ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग और स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों द्वारा दी जा रही सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि केदारनाथ में टेलीमेडिसिन और हेली एम्बुलेंस को बढ़ावा देना होगा, जिससे यात्रा मार्ग पर अस्वस्थ होने वाले यात्रियों को त्वरित उपचार मिल सके। राज्यपाल ने रुद्रप्रयाग भ्रमण के दौरान जिले के सेवानिवृत्त सैनिकों, वीरता पुरस्कार विजेताओं, वीरांगनाओं से संवाद किया। वहीं इस दौरान राज्यपाल ने रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवियों से भी मुलाकात के दौरान कहा कि रेड क्रॉस रुद्रप्रयाग जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। उन्होंने गुलाबराय मैदान में विभिन्न विभागों संस्थाओं के स्टॉल का निरीक्षण किया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हमारे वेटरन्स हैं, फौजी हैं, जो रेड क्रॉस हैं, जो महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, सबसे एक बात कहा है कि देखिए, हमारा जो घर है, हमारी जो भूमि है, ये शिवजी के घर में है, शिवजी का यहां वास है। यहां पर इस बार तो जो यात्री आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार आज तक के दिन में 13 लाख श्रद्धालु आए हैं।